जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं अजीत फौजी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। साथियों, चलो दिल्ली, आओ दिल्ली, पहुंचो दिल्ली। कल होने वाला है दिल्ली में महाआंदोलन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी छात्र हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, भर्तियां नहीं हो रही, उससे रिगार्डिंग कल दिल्ली में होने वाला है आंदोलन। उससे रिगार्डिंग हम आपको कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो हमारा वीडियो ध्यान से देखो। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप और हम सब मिलकर जो आने वाली 5 अप्रैल 2022 को जो भी आंदोलन या प्रोटेस्ट करने वाले हैं दिल्ली में, उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है इसको सफल बनाने के लिए। तो साथियों, अब मैं आपको बता दूं, ये जो है आंदोलन है, ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं, उसके अंदर जो हमारा एक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। इसके तहत हम कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी या समाज को अक्षति ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, और कानून को अपने हाथ में ना लें। तो इस प्रकार से ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। उसके अलावा 19(1)(b) में हम सरकार में कहीं भी जमा होकर के सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भड़काऊ बयानबाजी ना करें ताकि किसी भी कोई दंगे फसाद ना हो और समाज को में जो किसी का नुकसान स्थिति ना हो, सामाजिक और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर साथियों, ये जो हमें अधिकार दिए गए हैं, इसका हमने नाजायज फायदा नहीं उठाना है, ये ध्यान देना। जो भी मेरे भाई हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ेंगे, उनसे नम्र निवेदन है, प्लीज देख लें एक बार ये वीडियो। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आंदोलन या प्रोटेस्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। दोस्तों, जो स्थापित व्यवस्था होती, उसमें कोई भी सुधार की मांग, उसको बोलते हैं मूवमेंट। आंदोलन क्या, एक स्पष्ट लक्ष्य के लिए सामूहिक रूप से किया गया प्रयास या गतिविधि होती है, जो भी सरकार चल रही उस पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाना। तो ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या पर्यावरण या अन्य कई प्रकार का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आंदोलन की सफलता इस चीज पर निर्भर करती है कि आंदोलन पर सबकी मांग या राय, डिमांड एक होनी चाहिए। यहाँ पर सबकी जो मांग है वो अलग अलग ना हो, सभी में एकता का होना जरूरी है। जो भी मेरे भाई हैं इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन्हें आंदोलनकारी कहा जाएगा, लेकिन कोई भी भाई हिंसक कार्रवाई गतिविधि ना करे, ये ध्यान रहे। अगर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को आपने अगर सफल बनाना है, तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पर सभी की जो हमारी मांगे हैं वो एक होनी चाहिए, एक हमारा मूवमेंट, एक डायरेक्शन होनी चाहिए यहाँ पर। तो इस चीज का ध्यान दें। तो जो भी मेरे भाई जुड़ रहे हैं, आपको हम बताएंगे। साथियों, हमारी 3 ही मांगे हैं, ये ध्यान देना। यहाँ पर सारे अलग अलग नहीं कूदना। यहाँ पर कई बोल रहे हैं, खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले अलग अलग, तो हमें अलग अलग होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी इकट्ठा रहें। और हमारी 3 ही मांगे हैं। पहली मांग हमारी जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भर्तियों को नियमित करे सरकार, जैसे होती आई, पहले से चलती आ रही, साल में 2-2 भर्तियाँ निकलती थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की ओपन रैलियां, तो उनको नियमित करें और जो रिजल्ट रोक रखे हैं सरकार ने, उन्हें जल्द से जल्द जारी करें। जैसे एयरफोर्स वगैरह के पेपर हो चुके थे, उनका रिजल्ट बाकी है, तो उनको जल्दी जारी करे सरकार। दूसरी जो हमारी मांग है, वो भर्तियां, जो भी भर्तियां हो चुकी हैं, 1.5 साल हो चुके हैं, बहुत सेंटरों की, आरओ बीआरओ की भर्तियां हो चुकी हैं, उनका टेस्ट बाकी है, तो जल्दी से जल्दी सरकार टेस्ट करवाए और सेंटर की और ओपन भर्तियों की रैलियां दोबारा से जल्दी जारी की जाएं, इनका शेड्यूल। तीसरी जो हमारी मांग है, वो COVID-19 के कारण जिन लड़कों की उम्र ओवरेज हो गई है, तो उनको 2 साल की उम्र में छूट दी जाए,
चाहे यहाँ पर आर्मी में दो, चाहे कहीं भी पुलिस में दो, कहीं भी छूट उनको मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनको 2 साल की छूट देनी चाहिए। तो साथियों, यही हमारी मांगे हैं और ये सभी के लिए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, सभी एकता दिखाएं, सामूहिक प्रयास करें ताकि हमारा प्रोटेस्ट सफल हो। तो यहाँ पर ये ध्यान दें भाई, लीडर बनने की जरूरत नहीं या चमकने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो भी मिलेगा आपको अपने भाग्य का मिलेगा। अभी साथियों खबर निकल कर आ रही है कि कई लड़के हम ग्रुप में देख रहे थे तो बोल रहे हैं तोड़फोड़ करेंगे, ये करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दें, कोई भी गलत काम नहीं करना, हिंसक कार्रवाई नहीं करना। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहीं नाम आ गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। एक बार केस लग गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ये मान लेना, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको पता 3 बार पुलिस वेरिफिकेशन होती है, 3 बार। तो 3 बार में आपका कहीं भी नाम पुलिस रिकॉर्ड में चढ़ गया तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। और कई भाइयों के तो अभी नौकरी बिल्कुल लगे हुए हैं, टेस्ट बाकी है उनका। तो ध्यान देना शांतिपूर्ण तरीके से, और सभी एकजुट होके ने अपने लीडरों के, जो भी आपके एकेडमियों के संचालक आ रहे हैं, उनकी बातों को मानना। कोई भी हिंसक कार्रवाई नहीं करना, कभी स्टेटस के चक्कर में, लगाने के चक्कर में गलत कार्रवाई करो तो ध्यान देना। और जो भी भाई एकेडमियों के डायरेक्टर हैं, जो उनके अनुयायी साथ में आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को समझा देना थोड़ा उनके करैक्टर के बारे में, ताकि कोई भी गलत कार्रवाई ना हो। और इस प्रकार से एकजुट रहेंगे तो हमारा ये प्रोटेस्ट सफल होगा और जल्दी ही भर्तियों का और टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। साथियों, आज मैं दिन भर से घर पे ही था, संडे था, तो दिन भर से देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो। तो कई मेरे भाई यूट्यूबर हैं झारखंड और बिहार से और कई स्टेटों से, उन्होंने वीडियो अपलोड की हैं। और सभी छात्रों को जो भी है आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं, सभी को मुखर्जी नगर में बुलाया है। कुछ हमारे डायरेक्टर भाई हैं, अकेडमी संचालक हैं, वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे अपने बच्चों को लेकर के। तो यहाँ पर ये 2 राय बनी हुई हैं, तो जो भी मेरे भाई हैं वो मुखर्जी नगर ना बुला के जंतर मंतर बेस्ट रहेगा। तो हमारा आइडिया तो यही है कि वहाँ पर सभी अपनी एक राय करके न, और हमारे इस आंदोलन को, मूवमेंट को सफल की जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल आपको फाइनल बता देंगे क्या हुआ है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।